हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम किलोग्राम क्या है और किलोग्राम का इस्तेमाल क्यों करें इसके बारे में सीखेंगे। चंदा और अप्पू बन्नी के सब्जी के स्टॉल पर सब्जी खरीदने आए हैं। चंदा ने बन्नी से 4 सेब खरीदे। बन्नी के पास एक पत्थर का छोटा ढेर बना था। उसने पहले तराजू के एक तरफ चंदा के 4 सेब रखे और फिर उसने तराजू की दूसरी ओर एक एक करके पत्थर रखना शुरू किया। उसने तब तक तराजू पर पत्थर रखे जब तक तराजू की दोनों बाजू समान तल पर नहीं आ गई। उसने जब तराजू पर के पत्थरों को गिना तो पाया कि चंदा के 4 सेब 25 पत्थरों के बराबर थे। अब अप्पू ने भी 4 सेब लिए। बन्नी ने एक बार फिर तराजू के एक तरफ अप्पू के 4 सेब रखे और दूसरी ओर एक एक करके पत्थर रखना शुरू किया। इस बार जब तराजू के दोनों तरफ समान तल पर आई तब तराजू में 35 पत्थर थे। अप्पू और चंदा दोनों चौंक गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। उन दोनों ने 4 सेब खरीदे, फिर भी चंदा के सेब का वजन 25 पत्थर के बराबर और अप्पू के 4 सेब का वजन 35 पत्थर के बराबर कैसे हो सकता है। तभी भोला वहां से गुजर रहा था। उसने अप्पू और चंदा को परेशान देखा तो उसने उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछा। जब चंदा और अप्पू ने उसे पूरी कहानी बताई तो भोला हंस पड़ा। चंदा और अप्पू ये समझ नहीं पाए कि भोला क्यों हंस रहा है। भोला ने बन्नी के स्टॉल पर रखे कुछ पत्थर उठाए और कहा, ये देखो, क्या तुम्हें ये पत्थर समान वजन के लग रहे हैं? अब चंदा और अप्पू ने कुछ पत्थर देखे। उनमें से कुछ छोटे और कुछ बहुत बड़े थे। दोनों ने सर हिलाते हुए कहा, नहीं, नहीं। बच्चों, क्या हम इन असमान वजन के पत्थरों से किसी भी वस्तु के वजन का पता लगा सकते हैं? जी नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं? भोला ने चंदा और अप्पू को भी ये बात समझाई। तब बन्नी ने भोला से पूछा कि अगर उसे किसी भी वस्तु का वजन नापना हो तो वो कैसे कर सकता है। भोला ने बन्नी को समझाया कि क्योंकि पत्थर, गेंद इत्यादि जैसे वस्तुओं के वजन हमेशा एक समान नहीं होते, हम उन्हें वजन नापने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए किसी भी वस्तु के वजन नापने के लिए हम किलोग्राम की इकाई का इस्तेमाल करते हैं। किलोग्राम किसी भी वस्तु का वजन नापने की एक ऐसी इकाई है जो हमेशा एक समान रहती है। बन्नी ने भोला से कहा, मैं ये तो समझ गया कि किलोग्राम वजन नापने की इकाई है, लेकिन हम इसका इस्तेमाल वस्तुओं के वजन नापने के लिए कैसे कर सकते हैं? भोला बन्नी, अप्पू और चंदा को लेकर उसकी दुकान पर पहुंच गया। वहां उसने उन्हें इस तरह के वजन नापने के बाट वेट्स दिखाए। ये देखो,
हम इस तरह के बाट का इस्तेमाल करके वस्तुओं के वजन को किलो में नाप सकते हैं। ये बाट 1 किलो का है, ये 2 किलो का और ये 5 किलो का बाट है। भोला ने फिर उसकी दुकान के तराजू पर पहले चंदा के 4 सेब का वजन किया। उसने एक तरफ चंदा के सेब रखे और दूसरी तरफ 1 किलो का बाट रखा। अब भी चंदा के सेब ज्यादा भारी हैं। अब भोला ने 1 और 1 किलो का बाट रख दिया और तराजू की दोनों बाजू समान तल पर आ गईं। भोला ने कहा कि चंदा के 4 सेब का वजन 1 और 1 या 2 किलो के बराबर हैं। फिर उसने अप्पू के 4 सेब का वजन ठीक उसी तरह से किया और पाया कि अप्पू के 4 सेब का वजन भी 2 किलो के बराबर है। ये देखकर बन्नी अपनी गलती समझ गया। उसने भोला से कहा कि वो भी अपने स्टॉल पर अब किलोग्राम का इस्तेमाल करके ही वजन करेगा। उसने भोला से कुछ वजन के बाट लिए और सभी लोग किलोग्राम के बारे में सीखकर बहुत खुश हो गए। बच्चों, इस वीडियो में हमने किलोग्राम क्या है और किलोग्राम का इस्तेमाल क्यों करें इसके बारे में सीखा। अगले वीडियो में हम कुछ दिलचस्प उदाहरण द्वारा इसके बारे में और जानेंगे।